मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का मन मुटाव अब किसी से छुपा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कह देते हैं, तो ऐसे में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी फिरकी लेने से नहीं चूकते और पत्र लिखकर पितृ पर्वत पर उन्हें हनुमान जी की शरण में आने की सलाह तक दे डालते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हनुमान चालीसा की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ में मतभेद के बीच इंदौर की दो नंबर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विधायक रमेश मेंदोला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खत लिखा है। इस खत में रमेश मेंदोला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लिखा है कि वचन पत्र की याद दिलाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर आपके साथ जो व्यवहार किया वो दुखद और पीड़ादायी है। इससे आपकी पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी के संकल्प से हनुमान जी की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत देते हुए रमेश मेंदोला ने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ आपको अपनी पार्टी से मिली चुनौती को पूरा करने और आपकी पार्टी में आपके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने और जीतने की शक्ति देगा। वहीं विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि सिंधिया न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। सिंधिया जी न्याय की बात कर रहे हैं। यदि आपने वादे में कहा था, वचन पत्र में कहा था कि किसान का कर्जा माफ होगा, तो सिंधिया जी यही तो कह रहे हैं कि किसान का कर्जा माफ करो। यदि आपने कांग्रेस के वचन पत्र में कहा था कि अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान को नियमित करो, सिंधिया जी यही बात तो कर रहे हैं। यदि आपने वचन पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो सिंधिया जी भी तो यही मांग उठा रहे हैं। उनकी इस बात को लेकर हंगामा क्यों है? बड़ी शर्म की बात है कि यदि कोई एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो सच की बात करता है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि उनमें दम हो तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन ही कर ले। उनको अलग अलग सीखें दी जाती हैं। ये केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान नहीं है, ये उस परंपरा का अपमान है जो प्रदेश में न्याय की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कहा है, कमलनाथ जी को चाहिए कि सकारात्मक से लेकर उन वचन पत्र के वादों को पूरा करें। कुल मिलाकर सिंधिया के बयान के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है और अब कमलनाथ और सिंधिया के बीच पैदा हुई तकरार पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।